ख़ता होना बुज़ुर्गी में कोई रुकावट नहीं। मायज़ असलमी को पत्थर पड़ रहे थे जब वो हद लग रही थी, अभी जो तुमने मायज़ का गोश्त खाया इससे ज़्यादा नापाक तुमने खाया। गुनाह होना इंसानी अल्लाह और बंदे के ताल्लुक में रुकावट तब बनता है जब इसरार हो, मैं हामला हूँ ज़िना से, मुझे पाक करें। इसलिए कभी किसी के गुनाह पर उसको हकीर न समझो। हाथ जोड़ता हूँ। इन्नहु मन यत्तकी, वो इंसान ही नहीं जिससे ख़ता ना हो, और फिर वो इंसान ही नहीं है जो ख़ता पे शर्मिंदा ना हो, फिर वो शैतान। ख़ता होना बुज़ुर्गी में कोई रुकावट नहीं। सहाबा की ख़ताओं को अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किया, सहाबा से हर बड़े से बड़ी ख़ता हुई। इसमें एक पैगाम था कि इतने बड़े मकाम वाले से भी ख़ता हो सकती है और अल्लाह के ताल्लुक में कोई कमी नहीं आ सकती। तौबा। मायज़ असलमी को पत्थर पड़ रहे थे जब वो हद लग रही थी, तो दो आदमी आपस में बातें कर रहे थे, देखो अच्छा भला इस पर पर्दा डाल दिया था अल्लाह के नबी ने, ये खुद ही अपने आप को जलील करके आ गया। तो जब वो उनका इंतकाल हो गया और वहाँ से वापस हुए तो रास्ते में गधा मरा पड़ा था, तो आपने कहा उन दो आदमियों को बुलाओ, वो दोनों आ गए। आपने फरमाया इसका बैठ के गोश्त खाओ। या रसूल अल्लाह, ये आप क्या फरमा रहे हैं, नापाक हराम मुर्दार। का अभी जो तुमने मायज़ का गोश्त खाया इससे ज़्यादा नापाक तुमने खाया। का तुम उसकी गीबत कर रहे हो, और मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं उसे देख रहा हूँ जन्नत की नहरों में नहाता फिर रहा। गुनाह होना इंसानी अल्लाह और बंदे के ताल्लुक में रुकावट तब बनता है जब इसरार हो, करता ही जाए करता ही जाए। इसलिए कभी किसी के गुनाह पर उसको हकीर ना समझो। हाथ जोड़ता हूँ। किसी को हकीर, किसी से नफरत, अपनी नेकी के तकब्बुर से बचो। अल्लाह की कसम, नेकी का तकब्बुर पैसे के तकब्बुर से भी ज़्यादा खौफनाक। हम ऐसे, तुम ऐसे। और इमरा गामदिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बुराई हो गई, हमला हो गई, और उन पर कुर्बान जाएं। सुभान अल्लाह, के नबी के पास आई, मैं मायज़ की तरह नहीं हूँ कि आप कहें जा तो उन्हें कोई नहीं किया, मैं हमला हूँ ज़िना से, मुझे पाक करें। तो आपने फरमाया, आपने उसको टालने के लिए कहा जाओ पहले बच्चा पैदा कर फिर उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि 9 महीने गुजरेंगे आप ही भूल जाएगी। वो 9 महीने बाद फिर आ गई कि मुझसे गुनाह हुआ है, ये मेरा बच्चा पैदा हो गया है, अब मुझे पाक करें। तो आप हैरान हो गए उसके इस अंदर के बेकरारी पर। आपने फिर दूसरा हीला इख्तियार फरमाया, आपने फरमाया बच्चे को दूध पिला 2 साल, जब ये रोटी खाने के काबिल हो जाए फिर आना, फिर हद लगाएंगे। 2 साल उसने दूध पिलाया, और एक दिन चश्मे फलक ने देखा कि एक औरत बच्चे को उंगली से पकड़ के ला रही है, और उस बच्चे के दूसरे हाथ में रोटी है और वो खा रहा है, और आकर कहती है या रसूल अल्लाह ये रोटी खा रहा, ताहर ने मुझे पाक कीजिए। मेरे नबी के भी आंसू निकल आए। तो आपने फरमाया इस बच्चे को कौन अपना बेटा बनाता है, मैं जमानत देता हूँ जन्नत में वो मेरा साथी होगा। तो एक अंसारी साहबी ने उठकर कहा या रसूल मैं इसको अपना बेटा बनाता हूँ। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से गुनाह हो जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं या मूसा या फिरौन। वो जो एक अहमकाना शेर है, दुरंगी छोड़ दे या करंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा, किसी बेवकूफ शायर ने ये शेर कहा। तो उन पर हद लगी तो खून का के छींटे हज़रत खालिद पर जाके पड़े, तो उन्होंने को 2-4 लफ्ज़ सख्त कह दिया। आपने फरमाया खालिद ऐसा मत कहो, इस बच्ची ने वो तौबा की है, पूरे मदीने पे तकसीम करूँ सबकी बख्शिश हो जाए। इन्नहु मन यत्तकी, बड़े से भी हो जाता है। सारिउ इला मग़फ़रतन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत, बोलो लिल मुत्तकीन। ठीक, कौन है अल्लज़ीन युन्फ़िकून फ़िस्सर्रा वद्दर्रा, जो तंगी और फराखी में खर्च करते हैं, वल काज़िबीन अल-ग़ैज़, जो गुस्से को पीते हैं, वल आफ़ीन अन-नास, जो लोगों को माफ़ करते हैं,
واللہ یحب المحسنین، اللہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب آگے بھی تقوی والے ہی آ رہے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشة، فاحشہ میں نے بتایا تھا نا قرآن میں کس معنی میں آتا ہے، اور یہ کس کے بارے میں؟ اللہ اکبر، واہ میرے رب تو نے اتنی گنجائشیں دی اور تیرے بندوں نے جہنمی واجب کر دی تیرے بندوں پر. مجھے ایک پڑھا لکھا نوجوان کہنے لگا تسی مولویاں ساڈے کول ساڈا رب کھولے، اور ساتھ ہی رونے لگا کہ تسا مولویاں ساڈے کول ساڈا رب کھولے. ڈرائی جاندن. والذین اذا فعلوا فاحشة، یہ بھی تقوی والے ہیں. او ظلموا انفسهم، یہ بھی تقوی والے ہیں. ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا. یہاں آ کے جدا ہو گیا متقی اور فاسق، جدا ہو گیا کہ متقی بھی یہ سارے گناہ کر سکتا ہے لیکن وہ چھوڑ دیتا ہے، اصرار نہیں کرتا، روتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور جو بدماش ہوتا ہے وہ کرتا جاتا ہے. وہ کہتا ہے ویکھی جائے گی. تو جنت میں جانے والوں کے بارے میں میرے رب کا قرآن یہ کہہ رہا ہے. ہم ایسی احمقانہ سوچ کے مالک ہیں کہ نیک آدمی تو بن جائے معصوم پاک نبیوں کی طرح، اور جو نافرمان ہے وہ فرعون بن جائے، وہ کیوں نیکی کرتا ہے؟ میرا کالج کا ساتھی تھا احمد مصطفیٰ، 96 میں فوت ہو گیا. اس کا چلہ لگا تو سارے عیب چھوٹ گئے، صرف شراب رہ گئی تھی. تو وہ نشے میں اس کے دوستوں نے اس کو گھر کے دروازے کے سامنے اتارا تو وہ دروازے پر ہی گر کے پڑا ہوا تھا. تو پولیس کی گزری وین دونوں نے اٹھا کے ڈالا اور چوکی لے گئے. صبح اس کی آنکھ کھلی تو روشنی ہو رہی تھی، تو اس نے سپاہی بھی جانتے تھے، اچھا بڑے آدمی کا بیٹا تھا، خود بھی کافی مشہور تھا. تو اس نے کہا یار جلدی جلدی مصلی لوٹا لو، میں نے نماز پڑھنی. تو کہنے لگا رات ہی کی کر دے رہے ہو؟ تو کہنے لگا اسے واسطے تو نماز پڑھنے لگا کہ منہ کالا کیتا ہے دھو بھی لواں. اور ہمارا کیا تصور ہے؟ تیری روٹی حرام، تجھے نمازوں کا کیا فائدہ؟ تو داڑھی منڈاتا ہے، تیرا کیا دین ہے؟ تیری شکل ہی کافروں جیسی ہے، تیرا کیا دین ہے؟ ہمارے دیندار طبقے نے بے دینی کو پروموٹ کیا ہے نفرت کر کے. دین تو سراپا محبت سراپا.